और आपसे आग्रह करेंगे, आप लोग और बिहारी चाचा को जिताइएगा ना, ये वादा करता नहीं हमारा से ना। पहला नॉमिनेशन, पहला वोट और प्रथम स्थान लगभग 3 लाख वोट से रुबसवा बिहारी चाचा के जिताई। अगर हमको देश बचाना है तो हमको लालटेन छाप माननीय तेजस्वी यादव सुप्रीमो लाली यादव को जिताना है, इसलिए हम सबसे आग्रह करती हूँ कि आसमां के सारे सितारों को अगर तोड़ के जमीन पे मिला के रख दिया जाए, आज जो लोग हुजूम लगा के मोहब्बत से यहाँ पे खड़े हैं, उनकी मोहब्बत का कर्ज हम अदा नहीं कर सकेंगे। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। शराबबंदी होनी चाहिए, नशाबंदी होनी चाहिए, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा कि लगभग बिहार सरकार की हर साल 15,000 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है राजस्व की, और वो पैसा आपसे असूला जा रहा है। दुख की बात यहाँ है, हर डीजल पर 550 रुपया 6 रुपया लीटर और पेट्रोल पर 11 से 12 रुपया लीटर आपसे असूला जा रहा है। किस बात का नशाबंदी है, किस बात का शराबबंदी है? जब रुपया आप ही दे रहे हैं तो हर गरीब मजदूर पैसा चुकता कर रहा, सरकार का राजस्व दे रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क अगर है तो बिहार में है। तो इसलिए आप हलो से हाथ जोड़ के आग्रह करब, निवेदन करब कि अपन अमूल्य वोट और बिहारी चाचा के दे करके रुबसवा जिताई, तेजस्वी जी के हाथ के मजबूत करी। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। 17 महीना के कार्यकाल में रुबसवा देख ले हो कब कि तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, नौकरी दिए, 3 लाख नौकरी सृजित कर दिए जो अब तक नहीं हो पाया। बस यही बात कहते हुए हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और आपसे आग्रह करेंगे, आप लोग और बिहारी चाचा को जिताइएगा ना, ये वादा करता नहीं हमारा से ना। पहला नॉमिनेशन, पहला वोट और प्रथम स्थान लगभग 3 लाख वोट से रुबसवा बिहारी चाचा के जिताई। धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा गोपालगंज के पूर्व विधायक अभिभावक रियाजु लक राजू साहब से कि आए और अपनी बात को रखें। रियाजु लक राजू साहब, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलो। यहाँ उपस्थित हम लोगों के गार्जियन और सिवान के गांधी और आपका अपना उम्मीदवार महागठबंधन के उम्मीदवार श्री औध बिहारी चौधरी जी, यहाँ उपस्थित आपके एमएलसी विनोद जी, विधायक अमीरजीत जी, मोहताब भाई, बंटी जी वगैरह मंचस नेतागण, और संचालन कर रहे यहाँ का अध्यक्ष बिपिन जी, हम अपील करने आए हैं कि आपको आज इंडिया गठबंधन के तरफ से, राजद के तरफ से एक ईमानदार छवि के उम्मीदवार आए हैं जिन पर कोई दाग नहीं है और इनको सारे लोग गांधी के रूप में जानता है। आप उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम देखने की जरूरत नहीं है, आप तमाम लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के उम्मीदवार श्री औध बिहारी चौधरी को लालटेन छाप पर निशान लगा करके उनको विजयी बनाएं। जय हिंद, जय सिवान, जय महागठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में, चूंकि वक्ता का लिस्ट मेरे हाथ में बहुत लंबा है और बहुत समय से प्रोग्राम भी चल रहा है, अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं लाडली खातून जी से कि आकर के कम शब्दों में, कम समय लेते हुए अपनी बात को रखें। जितने भी यहाँ माननीय नेतागण, माननीय हमारे औध बिहारी चौधरी जी, जितने भी हमारे जनता, जितनी महिलाएं, जितने जेंट्स, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सबको हमारा सलाम, आदाब, नमस्कार। आगे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने हमारे अपने हैं, उन सभी से हमारी अनुरोध है कि इस भ्रष्टाचार को हम लोग को बचाना है, महंगाई से बचाना है। अगर हमको देश बचाना है तो हमको लालटेन छाप माननीय तेजस्वी यादव सुप्रीमो लाली यादव को जिताना है, इसलिए हम सबसे आग्रह करती हूँ कि सब कोई मिलजुल कर हम लोग का साथ दें, हम लोग एकजुट होके और महागठबंधन को जिताएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन का कार्य जो होता है बड़ा कठिन कार्य होता है,
और हमारे हाथ में बहुत लंबा लिस्ट है। मैं आप लोगों से आग्रह भी करता हूं कि जितने लोग खड़े हैं वो लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और जो पीछे खड़े हैं वो कृपया पीछे चले जाएं और इधर की तरफ जितने भी हमारे भाई खड़े हैं वो कृपया आकर के अपना स्थान को ग्रहण करें। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बड़े भाई महताब जी से कि आए और अपनी बात को रखें। महताब आलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे बैठे हुए हमारे गार्जियन माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, बड़े भाई रियाजुल हक राजू साहब, अमरनाथ यादव जी, हरिशंकर यादव जी, एमएलसी साहब, विनोद जसवाल जी, इंद्रदेव भगत जी, प्रोफेसर पांडे ब्रदर्स जी, बाकी सारे साथियों को मैं अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। और यहां पे बैठे हुए तमाम साथियों को मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आसमां के सारे सितारों को अगर तोड़ के जमीन पे भी ला के रख दिया जाए, आज जो लोग हुजूम लगा के मोहब्बत से यहां पे खड़े हैं उनकी मोहब्बत का कर्ज हम अदा नहीं कर सकेंगे। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। साथियों, बड़ा गंभीर माहौल है, बड़ी भीषण लड़ाई है। एक तरफ जो लड़ रहे हैं वो देश को खंड खंड करने के लिए लड़ रहे हैं और एक तरफ जो लड़ रहे हैं देश को अखंड करने के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ जो लड़ रहे हैं वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले गोलवलकर के समूह के लोग हैं, अब माफी मांगने वाले सावरकर के समूह के लोग हैं, और एक तरफ जो लड़ रहे हैं वो गांधी की विचारधारा के वारिस, अम्बेडकर के विचारधारा के वारिस, फूले अम्बेडकर विचारधारा के वारिस हैं। तो इनली ये जो लोग हैं, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम सीए लाएंगे, वो कहते हैं कि हम सीए लाएंगे और सीए लाके धर्म के आधार पे नागरिकता देंगे। और हम जो हैं, जो गांधी अम्बेडकर नेहरू के विचारधारा के वारिस है, हम कहते हैं कि भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत के संविधान में लिखा है कि एक मुल्क धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। हम इस विश्वास पे यकीन रखते हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, क्योंकि आज से कई साल पहले 23 साल का नौजवान शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा पहनने से पहले उसने कहा था कि आजादी हमें यकीनन मिल जाएगी। अगर आजादी हमें यकीनन मिल जाएगी तो इन गोरे बाबू से हमें यकीनन आजादी मिल जाएगी, लेकिन हमको संपूर्ण आजादी तब मिलेगी जो गोरे बाबू की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं इन भूरे बाबू को भगाना है। आज फिर से वे देश की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम लोग। इन भूरे बाबू जो इनके ये चंद लोग हैं, इन चंद लोगों को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग को एकजुट एकमुश्त होना है देश में। इसी प्रदेश में अभी हमारे जिला में बहुत छोटे से मुख्तसर से बोलना, बोलने के लिए बहुत वक्त है, कभी और बोल दिया जाएगा। हमें जो वक्त मिला है उस वक्त में हमें समझना है कि जो इस जिला में हमारे नेता को हमें राष्ट्रीय जनता दल ने हमें जो इम्पोज किया है, हमें दिया है, वो मेरिट वाला नेता है। हमें मेरिट वाला नेता चाहिए। सारे लोग एकजुट होकर खड़े होके बोले कि इस बार सिवान को मेरिट वाला नेता चाहिए, कहिए साथ में, हमें मेरिट वाला नेता चाहिए, कहिए साथ में एक बार साथियों, हमें मेरिट वाला नेता चाहिए, ना कि इस बार डेमेरिट वाला नेता चाहिए। और इसलिए हम लोग अवध बिहारी जाती जी के पक्ष में एकजुट होके एक मुश्त होके सारे जाति और जमात के लोग वोट देके उनको विजय बनाने का करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद।